उदरपात। जो आज तुमने सिद्धार्थ के साथ किया वो मैंने देखा। मैंने क्या किया है? ये तुम अपने हृदय से पूछो। इस प्रकार तुम अपने ही हानि कर रहे हो। सिद्धार्थ एक विभूति है, उसकी बराबरी तुम तो क्या, मैं भी, यहां तक कि गुरुवर भी नहीं कर सकते। क्षमा करें मुझे, मैं अब कभी सिद्धार्थ की साधना में बाधक नहीं बनूंगा। आधी रात को लौटे हो? रंग भवन में था और आप दोनों एक साथ उपस्थित, अवश्य कोई उपदेश सुनाने आए होंगे। धन्य हो तुम देव। क्या मैं जान सकती हूँ कि महाराज के सामने इतनी उत्सुकता से सिद्धार्थ को लाने की बात करने का अर्थ क्या है? और वो भी अब, जब रास्ते का कांटा स्वयं दूर हो गया। माँ, एक चाल है। महाराज के साथ साथ आपको भी विश्वास हो गया ना? बना बनाया खेल बिगाड़ रहे हो देवदत्त। पिताजी, सबके समक्ष अपनी उपस्थिति अर्जित करनी थी बस। तो क्या तुम सिद्धार्थ को नहीं ढूंढोगे? मूर्ख हूं मैं। यदि समक्ष भी आ जाए ना तो भी अनदेखा कर दूंगा उसे। सच? महाराज को प्रसन्न करने के लिए स्वांग तो करना ही था। इस सिद्धार्थ के जाने से मैं कितना व्याकुल हूं। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि ये भी ना समझ सकूं कि भाग्य ने मुझे दूसरा अवसर दिया है। आज तक सिद्धार्थ से जो कुछ भी मैं हारा हूं उसे वापस जीतने का ये सुनहरा अवसर मैं हाथ से नहीं जाने दे सकता। कभी कभी सोचा था जब मेरा पुत्र होगा तो रूप तुमसे लेगा और बुद्धि मुझसे, पर यहां तो उल्टा ही हो गया। कहना क्या चाहते हो तुम? संकट की घंटियां बज रही रानी मंगला। जब भी ये मूर्ख अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है तो कोई ना कोई नई समस्या खड़ी कर देता है। क्यों कोस रहे हो मेरे पुत्र को? अपने भाग्य को कोस रहा हूं। एक हमारे पुत्र को देखो और एक तुम्हारे पिता आज तुम्हें घुटनों के बल चलता देखते तो कितने प्रसन्न होते। हर माँ पिता के लिए उनके बच्चे का पहली बार चलना, पहली बार बोलना कितना हर्षोल्लास देता है। तुम्हारे पिता इन सबसे वंचित रह जाएंगे। राहुल, नहीं जल्दी भी बड़े मत हो जाना। अरे 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 अरे, हाँ, डर कैसे गया? कैसे डर गया? क्षत्रिय पुत्र हो तुम, तुम्हें तो मैं अपनी तरह बनाऊंगा। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पुत्र पराक्रमी बने, बलशाली मेरी तरह, हाँ कि अपने पिता की तरह सन्यासी? सन्यासी बनने के लिए बहुत बल चाहिए। अच्छा,
हाँ, ताल तो एक ही होता है, जहां बिना प्रज्ञा के भैंस आती है और अपने खुरों से पानी को मटमैला कर देती है, और उसी कीचड़ भरे ताल में एक कमल का फूल भी खिलता है, जो ऊपर उठकर इस विश्व में प्रज्ञा और सौंदर्य का प्रतीक बनता है। मैं भैंसा? नहीं, अहंकारी। जो बात आपको समझ ना आए उसे करने से क्या लाभ? तो वो बात सुनती जाओ जो तुम समझ सकती, और समझना क्या, तुम्हारे घावों को थोड़ी ठंडक मिलेगी। मेरे घावों को आप ठंडक पहुंचाएंगे? हाँ यशो, क्यों नहीं, मैं थोड़ी ना यहां तुम्हारे घावों पे नमक छिड़कने आया था। तुम्हारी पीड़ा मुझसे सही नहीं जाती, इसीलिए आनंद का एक संदेश देने आया था। मैं सिद्धार्थ को खोजने जा रहा हूं। वो नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? अरे नहीं आएंगे तो अपनी बलशाली भुजा में उसे उठा के ले आऊंगा। सुन लिया, तुम्हारे काका क्या कह रहे हैं, वो तुम्हारे पिताजी को अपनी भुजाओं में लगता है उल्लास के मारे तुम्हें कोई दौरा पड़ गया है। दौरा तो आपको पड़ गया है ज्येष्ठ, आप उनको अपनी भुजाओं में उठाकर ला सके, इतना ना तो आपके अंदर पुरुषार्थ है ना बल। पर उन्हें मिले मेरा एक संदेश अवश्य पहुंचा दीजिएगा। उनसे कहिएगा कि उनके आत्मिक मार्ग पर ना कभी यशोधरा बाधा बनेगी ना राहुल, जब तक उनकी शुद्ध आत्मा को उनके प्रश्नों का प्रति उत्तर नहीं मिल जाता वो वापस ना लौटे। नारी कर दे जो हम देवता भी नहीं समझ सकते, तो आप भी चेष्टा ना करें। हे मेरे देव, मेरे स्वामी, एक पत्नी की प्रबल इच्छा है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर शीघ्र ही मिल जाए, और आपको किसी भी विवशता के कारण अपने कठिन मार्ग को छोड़कर लौटना ना पड़े। तुम फिर सिद्धार्थ का ध्यान भंग करने की चेष्टा कर रहे हो। भला करो तो भी बुरा ही बनता हूं, मैं तो सिद्धार्थ की सहायता कर रहा हूं। ऊपर देख, उस मधुमक्खी के छत्ते पर धूप गिर रही है, जिसने बेचैन होकर उसकी मधुमक्खियां इधर उधर घूम रही हैं, और कुछ मधुमक्खियां तो सिद्धार्थ पर भी बैठी हैं। अब अगर मधुमक्खियों ने उन्हें काट लिया तो क्या उनका ध्यान भंग नहीं होगा? अनुभव, इसलिए मैंने नीम की पत्तियां जलाई, जिसके धुएं से मैं उन्हें बचा सकूं। क्षमा करना मित्र, मुझे लगा तुम सिद्धार्थ से ईर्ष्यावश कोई नया खेल रच रहे हो। नहीं, अब मैं बदल गया हूं। आपने तो मेरी मन की आंखें ही खोल दी। गुरुवरि ने तो यह भी कहा है कि आप स्वयं ध्यान ना करो तो कोई बात नहीं, परंतु यदि आप दूसरों के ध्यान में सहायता करें तो आपको भी अपना लक्ष्य मिल ही जाएगा। अमात्य, युवराज सिद्धार्थ को खोजने के क्या प्रबंध किए? महाराज, युवराज को खोजने उत्तर दिशा में राजा अमितोदन जाएंगे, पश्चिम दिशा में कुमार देवदत्त जाएंगे, और दक्षिण दिशा में मैं स्वयं जाऊंगा। भाई महाराज,
प्रस्थान की अनुमति दीजिए। छोटे काका, जब आप युवराज सिद्धार्थ को ढूंढने में सफल हो जाएं, तो स्मृति के स्वरूप उन्हें ये कमल का फूल दीजिएगा और उनसे विनती कीजिएगा कि वो भी अपनी एक स्मृति भेजे। उनसे ये अवश्य कहिएगा कि यशोधरा हर क्षण उनकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठी है। अनुज, एक बात का ध्यान रहे, उसे हमारे दुखों का व्याख्यान मत कर। और हाँ, उसे कंथक की मृत्यु का समाचार मत देन, उसके कोमल हृदय को आघात लगे। हे ईश्वर, सिद्धार्थ को ढूंढने में और उसे वापस लाने में इनके रास्ते की सारी बाधाएं दूर कर दो। वो नीले आकाश में उड़ती हुई चील देख रहे हो? जी गुरुदेव। ध्यान में इतने मग्न हो जाओ, तुम में और पत्थर में कोई अंतर न रहे, और वो चील तुम्हें पाषाण समझ के तुम्हारे समीप आ बैठे। मेरे सिद्धार्थ की रक्षा करना। आदित्य नमस्कारम या कुर्वन्ते दीन दीन अंधकारम न पूजाय। यशो, यहां एकांत में बैठे क्या सोच रही हो? पहले युवराज की बातें अनोखी लगती थी, पर अब जब सोचो तो बातें बहुत सत्य लगती हैं। वो कहते थे या तो ईश्वर कहीं नहीं है या कण कण में ईश्वर है। तो सोचा, यदि कण कण में ईश्वर है तो मैं यहां बैठूं या मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करूं? बात तो एक ही है, पर भगवान के सामने प्रार्थना करके मैं मांगू भी तो क्या? यशो, अपने मन को इतना मत सता। एक अजीब सा द्वंद्व छिड़ा है मन और मस्तक के बीच। कैसा द्वंद्व यशो? मस्तक कहता है कि ईश्वर से प्रार्थना कर कि उनको उनके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं, वो अपनी साधना में सफल हो जाएं।
भले इस मार्ग पर चलते चलते वो तुझसे दूर क्यों ना निकल जाए। और इस बाबरे मन को कौन समझाए माँ? ये कहता है कि तू ईश्वर से मांग कि वो अभी इसी क्षण तेरे पास आ जाए। एक और भय प्रतिदिन मेरे मन में प्रबल होता जा रहा है माँ, जैसे उनका लौटना असंभव लग रहा है। यशो, चिंता का विषय गुरुवर है, सिद्धार्थ को ध्यान में बैठे पूरे 2 दिन हो गए हैं, न जल ग्रहण किया है न भोजन। ऐसे में यदि उन्हें कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। सिद्धार्थ ने श्वासों को साध लिया है, सिद्धार्थ ध्यान की उस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं जहां शरीर के नित्य कर्म बहुत पीछे छूट जाते हैं। उन्हें जो आहार मिल रहा है वो आत्मिक सुख है। सिद्धार्थ जहां पहुंच गया है वहां तक पहुंचना सहज नहीं। तुम चिंता मत करो, जैसे माता गहरी नींद में अपने नवजात शिशु का ध्यान रखती है वैसे ही मैं सिद्धार्थ का हर पल हर क्षण ध्यान रखूंगा। जाओ तुम विश्राम करो। ध्यान 2 दिन बाद टूटा है। मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा तुम्हें। इस बार मुझे ऐसी अनुभूति हुई जैसे मैं एक पंख की तरह हल्का हो गया, कहीं दूर नीले गगन में उड़ान भर रहा हूं। पहले पक्षियों की तरह, फिर बादलों की तरह और ऊंचा उठा, और फिर धीरे धीरे शरीर का आभास जाता गया। ऐसा लगा जैसे मैं एक वृक्ष की तरह पृथ्वी से जुड़ा, पर दूर अनंत तक मेरी बाहें फैलती जा रही हैं। फिर चारों ओर अनंत शून्य की अनुभूति हुई। एक इतनी सघन शांति उजागर हुई जैसे जैसे एक झरना हो शांति का, जिसमें स्नान कर मेरा रोम रोम आनंदित हो। मुझे इसकी अनुभूति हुई। अब तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं रह गया सिद्धार्थ। नहीं गुरुदेव, जिस ध्यान को साधने में मुझे 70 वर्ष लग गए तुमने वही 2 माह में कर लिया। मैं धन्य हो गया। नहीं गुरुवर, आपकी और मेरी बराबरी असंभव।
जब तक मैं ध्यान में था मेरा मन शांत था, जैसे ही मेरा ध्यान भंग हुआ वही पीड़ा और व्याकुलता ने मुझे आ गया। इसी सारस की चित्तार मेरे सामने वो सारे दुख पीड़ाएं व्याकुलता सब सामने ला खड़े कर दी। गुरुदेव मुझे इस पीड़ा और व्याकुलता से मुक्ति का मार्ग समझाइए। मेरे पास जो भी ज्ञान था वक्त मैंने तुम्हें उड़ेल दिया, मेरा पात्र खाली तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। मेरी आयु हो चली है, मेरी प्रबल इच्छा है मेरे पश्चात इस आश्रम की बागडोर तुम संभालो। प्रदीप में हाँ सिद्धार्थ, ज्ञान में अब तुम मेरे बराबर हो गए हो, उसी ज्ञान से आने वाले दियों को प्रज्वलित करो। गुरुदेव आपने मुझे इस योग्य समझा, पर इस विषय में सोचने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। ठीक है सोच लो, मुझे तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। प्रणाम गुरु जी। अग्नि का स्वभाव कितना मधुर है, ठंड में ठिठुरते लोगों को ताप देती, भूखों को भोजन बनाने की ऊर्जा। परंतु ये अग्नि एक ही घर की सीमा में बन जाए तो, एक परिवार को सुख देने के लिए अग्नि अनगिनत मानवों को अंधकार और यातना में तो नहीं छोड़ सकती। गुरु की आज्ञा के आगे मैं नतमस्तक हूं, पर मैं यहां ठहर नहीं सकता। साधना के मार्ग में मैं जहां तक पहुंचा हूं उसके आगे बहुत बड़ी अनंत की यात्रा तय करनी है। मुझे जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग खोजना है। गुरुवर्य, सिद्धार्थ आश्रम में कहीं नहीं है, कहीं वो हमें छोड़कर तो नहीं चला गया। सिद्धार्थ को अब अनुमति की आवश्यकता नहीं है, और मुझे विश्वास है वो मुझे बताए बिना नहीं जाएंगे। कहीं नहीं गया सिद्धार्थ, वो देखिए पानी में श्वास रोकने का ध्यान करके आ रहे हैं। सिद्धार्थ मुझे तो लगा तुम हमें छोड़कर चले गए हो। मेरी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के योग्य केवल तुम ही हो सिद्धार्थ। इस आश्रम की बागडोर अपने हाथ में ले लो वत्स। यह आपका मुझ पर अपार स्नेह है गुरुवत्स, पर मेरे मन में कुछ और है। कहो, निर्भय होके कहो। गुरुवत्स मैं आश्रम छोड़कर जाना चाहता हूं। आप जैसा गुरु पाकर मैं धन्य हूं। आपने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। ध्यान के साथ सोपान की विद्या और उसका अनुभव मुझे था, जो मैंने तुम्हें सौंप दिया। तुम्हारे जैसी उज्ज्वल आत्मा को और आगे जाना है। ध्यान समाधि के आठवें सोपान तक तुम्हें पहुंचना है, और संभवतः उससे भी कहीं आगे। गुरुवर्य अब आप ही मेरी दिशा निर्देश कीजिए कि ध्यान समाधि के आठवें सोपान का ज्ञान मुझे कौन दे सकता है। उसके लिए तुम्हें मगध जाना होगा,
वहां आदरणीय मुनि उदाका रामापुत्ता तुम्हारे आगे के आध्यात्मिक मार्ग में सहायक बने। गुरुवर, यदि मैं अपना मार्ग खोजने में सफल रहा तो आपको आकर अवश्य बताऊंगा। मुझे इसकी प्रतीक्षा रहेगी। यदि इस वृद्धावस्था ने अवसर दिया तो ये आप क्या कर रहे हैं गुरुवर? तुम भी उनके चरणों की धूल अपने माथे पे लगा लो, कदाचित ये अवसर कभी मिले ना मिले। वो देखो युग पुरुष चला जा रहा है, युग युगांतर के पश्चात ऐसा युग पुरुष धरती पर अवतरित होता है और धरती पावन धन्य हो जाती। ठहरो, यह आश्रम है, यह आदर से आया जाता है। तुम भूखे नंगों का मैं आदर करूंगा? हमारे गुरु कहाँ हैं? अलार कलाम वहां हैं। उनसे मिलना हो तो विनय से उनके पास जाइए। सिद्धार्थ कहाँ है? सिद्धार्थ यहाँ आए थे, दो मार है कि चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? आपका परिचय? हम उसके भाई हैं। अंतिम बार हमने सिद्धार्थ को निकलते हुए देखा है, वो कहाँ गए हैं मालूम नहीं। पवन किस दिशा में बहती है क्या तुम जानते हो? आप असत्य नहीं बोलते हैं गुरुदेव, परंतु आपने सिद्धार्थ के भ्राता को यह क्यों नहीं बताया कि सिद्धार्थ उड़ाका रामापुट्टा के आश्रम में गए हैं? क्योंकि मुझे आभास हो गया था कि सिद्धार्थ का भ्राता उसे हानि पहुंचा सकता है। अर्थात वो सिद्धार्थ की हत्या भी कर सकता है? ओ, 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 ओ। सुनिए भाई, ये मुनि उदाका रामापुत्ता के आश्रम का मार्ग कौन सा? मुनि उदाका रामापुत्ता जी, उनका आश्रम राजगृह से पूरब की ओर है। आप इसी राह से आगे बढ़िए। धन्यवाद। ये सैनिक पशुओं को कहाँ ले जा रहे? राजगृह ले जा रहे। क्यों? वहां इनकी बलि देंगे। बलियों? रुक जाइए, क्यों निर्दोष पशुओं पर अत्याचार कर रहे हैं आप? ऐसा तो बाबा, हमारा मार्ग छोड़ो। मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ पर आपका मार्ग नहीं छोड़ सकता। पहले आप ये बताइए कि निर्दोष पशुओं को कहाँ लेके जा रहे हैं? इन सबको बलि के लिए ले जाया जा रहा है। आप इन निर्दोष पशुओं का वध करना चाहते हैं? ये आपका धर्म है? तो फिर इन पशुओं की बलि देने से पहले आपको एक नर बलि देनी होगी। ये मेरा धर्म। कौन देगा नर बलि? मैं दूंगा नर बलि। क्यों हमारे आड़े आ रहे हो? हमें हमारा काम करने दो। हमारे महाराज एक बहुत बड़ा यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं और हमारी प्रथा है कि यज्ञ के बाद बलि दी जाती है। किसने बनाई ऐसी प्रथा? उसने जिसके आगे आप सर झुकाकर नमन करते हो? वो मैं कुछ नहीं जानता। हमें तो सिर्फ अपने महाराज की आज्ञा का पालन करना है। मुझे अपने धर्म का पालन करने दीजिए, मैं इन पशुओं को ले जाने नहीं दूंगा। जाओ और जाकर कह दो अपने महाराज कि बलि के पशुओं को रोके एक सन्यासी खड़ा है राम।
तुम हमारे महाराज को चुनौती दे रहे हो? नहीं, मैं मानव धर्म का पालन कर रहा हूँ। यदि हमारे महाराज का आदेश न होता कि साधु संत का आदर करो, तो हम इसी वक्त आपकी गर्दन धर से अलग कर देते। तो कर दीजिए। महाराज, 101 पशुओं की बलि यहां चढ़ाई जाएगी, उत्तर में मंडप सजाया जाएगा और 1001 विधियां उधर होंगी। ध्यान रहे, किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े। महाराज की जय हो। तुम तो बलि के पशुओं को इकट्ठा करने गए थे। जी महाराज, पर पता नहीं कहां से बीच में एक सन्यासी आ गया। सन्यासी? ये सूचना लेने आए हो? महाराज, वो बीच मार्ग रोके खड़ा है, कहता है कि मैं पशुओं की बलि ना होने दूंगा। ये मगध नरेश बिंबिसार का राज्य है, क्या बड़े बड़े हमारे भय से थर्राते हैं। वो किसी से नहीं डरता महाराज, मरने से भी नहीं। समझाया, डराया, धमकाया, पर उल्टा मुझे ही कहने लगा कि पहले मेरी बलि दो, उसके बाद पशुओं को ले जाओ। इतना हट, फिर तो उसे हमें अवश्य मिलना पड़ेगा। देखो कौन है जो मगध नरेश बिंबिसार के सामने अपना सर उठाने का साहस कर रहा है। महाराज, सर काट के ही ले आते हैं। ये मेरा राज्य है, यहां केवल मेरा आदेश चलेगा। असंख्य राज्य बने, असंख्य राज्य बिगड़े, अनित्य ही जीवन का परम सत्य है। अब धर्म की शिक्षा तुम मुझे दोगे? धर्म के नाम पर यदि अधर्म होगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। यदि सन्यासी नहीं होते तो अभी तुम्हारी बलि चढ़ा देता मैं। सन्यासी की हत्या के पाप से आज मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। महाराज बिंबिसार, सिद्धार्थ, तुम सन्यासी? इतने बड़े पाप से तुमने मुझे आज बचा लिया। आपके हाथ मुझे मृत्यु भी स्वीकार, परंतु इस जीव की हत्या का पाप कहीं अधिक बड़ा होता। प्रश्न ये नहीं मित्र कि मैं जीवूं या मरूं, प्रश्न ये जीवन और मरण के इस चक्र से मुक्ति का कोई तो मार्ग है। यदि है तो उसे खोजना मेरा लक्ष्य है, नहीं तो इन मूक पशुओं की तरह अकारण ही जीऊंगा और अकारण ही मर जाऊंगा। क्या दोष है इन निर्दोष पशुओं का जो महाराज बिंबिसार आपको इनकी बलि देनी होगी? इनमें भी हमारी तरह जीवन की ऊर्जा है। ये कौन सा धर्म जो कहता है कि एक निर्बल को मारने से अशुभ समय टल जाता है? यदि इन मूक पशुओं के भूमि जीवा होती तो ये भी पूछते कि पाप करे कोई और भरे कोई? यदि ये धर्म है तो आज एक निर्बल सन्यासी आपसे कहता है कि ये अधर्म है। आज मेरे मित्र ने मुझे अधर्म से बचा लिया। आज से मगध में कोई बलि नहीं दी जाएगी। सिद्धार्थ, तुम्हें इस अवस्था में देख ना सकूंगा, इतना बल नहीं है मुझे। बिंबिसार गद्दों पे सोए,
और सिद्धार्थ यहां धूल मिट्टी में। नहीं सिद्धार्थ, मेरे साथ राजमहल में चलो, वहां तुम्हारी साधना में कोई विघ्न नहीं आएगा। नहीं महाराज बिंबिसार, जिस तरह आज इस निर्दोष पशु को मैंने बचाया, उसी प्रकार असंख्य मनुष्य पशु जीवन के दुखों से जूझ रहे। सर्वम दुखम दुखम, इस पीड़ा इस दुख का अंत मैंने पा लिया तो मैं सारे जीवों को शांति के मार्ग पर ले जा सकूंगा। औरों के दुख दूर करने के लिए अपने सुखों की आहुति देने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। तुम जैसी महान आत्मा ने मित्रता कर मुझ पर कृपा की है सिद्धार्थ, मुझ पर कृपा। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। बिंबिसार इतना मूर्ख नहीं है सिद्धार्थ, जिस तरह खिलती धूप को मुट्ठी में बांधा नहीं जा सकता, उसी तरह तुम्हारे इस अलौकिक चित्त को मेरे जैसा निम्न व्यक्ति क्या रोक सकेगा। सिद्धार्थ, मित्र को एक वचन दोगे, जब भी तुम्हें मुक्ति का मार्ग मिल जाए तब उसका ज्ञान देने के लिए इस बिंबिसार के पास आओगे। वचन दिया। एक मित्र ये बात समझा सकता था जिसने सब खो दिया, उसी ने सब पा लिया, और जिसे ऐसा लगता है कि उसने सब पा लिया, उससे बड़ा निर्धन कोई नहीं। का त्याग कर दिया है, अब यह पृथ्वी ही मेरा वस्त्र है। आप ठंड से ठिठुर रहे थे तो? अपनी तपस्या से मैंने ठंड पर जीत पा ली, इस शरीर की सारी सीमाओं को तोड़ डाला है। क्षमा करें, महाराज अब इसे ग्रहण कर। मैंने अन्न और जल का त्याग कर दिया। आपने ये मार्ग क्यों चुना? अपनी तपस्या से, अपनी साधना से इस शरीर को इतना कठोर बना लो, इसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाए। मुक्ति का यही मार्ग है। मुक्ति क्या है? परमानंद। पर दुख के सारे परमानंद कैसे मिल सकता है? जिसे तुम दुख कहते हो वो हमें दुख नहीं लगता। हम आनंदित हैं कि हम अपनी साधना के मार्ग पर अटल हैं और हमें मुक्ति मिलेगी। इस क्षण का ही भरोसा है तो इस क्षण की बात करूं? कहो ना, तुम्हारी प्यास तो तुम्हारी आंखों से छलकती है। आपकी कठिन तपस्या मुक्ति के लिए किसी और लोक में स्वर्ग पाने की काम। मेरी इच्छा दुख के इस विशाल महासागर में जहां हर जीव भूला और भटका हुआ, उसका अंत कैसे किया जाए? स्वर्ग मिले तो केवल मुझे ही क्यों, समग्र संसार को क्यों नहीं? तुम्हारे विचार महान है। तुम दिशावान बनोगे, असंख्य आत्माओं को आनंद का मार्ग दिखाओगे।
तथास्तु। सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा।